बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब हरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो VVDI मिनी के रेलिवेंट है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सुपर चिप की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। आज की इस वीडियो के अंदर किसी भी गाड़ी का जो ओरिजिनल ट्रांसपांडर होता है, जो ओरिजिनल चिप होती है, उसकी फाइल किस तरह सुपर चिप के अंदर आप कॉपी कर सकते हैं, ये मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसी बातें लोग शेयर नहीं करते। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो आप जानते होंगे, आपने मेरे चैनल के अलावा भी बहुत से चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, लोग ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। की प्रोग्रामिंग लाहौर के अंदर किसी भी भाई को किसी वर्कशॉप में गाड़ी का आपका स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है और रिमोट अगर ऑल का की लॉस है या की प्रोग्रामिंग का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा EFI ट्रेनिंग और स्कैनर्स डिवाइसें वगैरह पाकिस्तान या पाकिस्तान के अलावा बाहर किसी भी कंट्री में आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये मेरे पास एक चाबी है और ये इसका ओरिजिनल ट्रांसपांडर है। सबसे पहले इसका ID चेक करेंगे, इसकी फाइल को हम चेक करेंगे। इसको इसके अंदर मैंने पुट कर दिया और ट्रांसपांडर क्लोन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और सबसे पहले रीड करेंगे, इसे चेक करेंगे इसके अंदर डाटा क्या है। तो ये देख लें, ट्रांसपांडर 4D68, ये इसका इमो टाइप आ गया, ये इसका ID आ गया। अब हमने इसको क्लोन करना है, क्लोन यानी इसकी फाइल को कॉपी करेंगे और सुपर चिप के अंदर हम इसको राइट करेंगे। तो क्लोन के ऊपर ये नीचे है क्लिक करेंगे, उसके बाद उसने पहली ऑप्शन ये कहा है कि ओरिजिनल की जो है वो इसकी क्वाइल के अंदर आप इनपुट कर दें, तो हमने वो कर दिया। ये स्टार्ट क्लोन नीचे लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये कुछ सेकेंड का टाइम लेगा। VVDI मिनी भी अगर आपको चाहिए हो या एक्स हार्स की मशीन या रेलिवेंट कोई भी सामान चाहिए हो आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन रिजल्ट आ गया हमारे सामने, ये कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद हम इसका ये उठा लेंगे और वो कह रहा है कि दूसरी जो चिप सुपर चिप है वो इसके अंदर पुट करें, ये हमने वो दूसरी चिप जो है वो पुट कर दी है इसके अंदर और उसके बाद वेटिंग कर रहे हैं हम। कंप्लीट हो गया, ये देख लें, ये हमारी सुपर चिप जो है, जो ID इसका ओरिजिनल था उसकी फाइल के मुताबिक तैयार हो गया। ये कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देंगे और अब अगर हम दोबारा बैग जाके इसका ID हम दोबारा चेक करें, रीट्रांसपांड, तो ये देख लें 4D सुपर चिप। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि उसका ID 46 होता है, लेकिन अब हमने इसकी जो ओरिजिनल 4D की फाइल थी वो इसके अंदर कॉपी कर दिया। ये कॉपी करने के बाद फिर जो अगला प्रोसेस होता है, किसी भी प्रोग्रामर यानी की प्रोग्रामर जो स्कैनर है उसको यूज करते हुए हम की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होगी तो अगला काम आप कर सकते हैं। ये कुछ की प्रोग्रामिंग के अंदर काम होते हैं जो ऑन बोर्ड आपको करने पड़ते हैं गाड़ी से बाहर, और फिर बाकी काम जो होता है वो गाड़ी के अंदर जाके होता है। अपना ख्याल रखें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि, पाकिस्तान जिंदाबाद।